Hi everyone, welcome to Global Online. This is Ankita अंकिता सूद सो पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑलरेडी हम डिफरेंट मेथडिंग को डिस्कस कर चुके हैं रिमेनिंग मेथड को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सभी कॉन्सेप्ट को आप नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि इन सेशन के बाद हम एमसीक्यू सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे जहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप लोगों को सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है एन टी एनेट पेपर वन में टीचिंग एप्टीट्यूड का ये कम्पलीट सिलेबस है एंड जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग में जिसमें कि प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था टीचर सेंट्रिक मेथड वर्सेस लर्नर सेंट्रिक मेथड ऑफलाइन टीचिंग मेथड एंड ऑनलाइन टीचिंग मेथड। आज हम बाकी के जो सिक्स टू सेवन टाइप्स है जो कि एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे एंड इसके साथ ही जो भी टॉपिक होगा उसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी ताकि आपको साथ साथ ही एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं एंड कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगी उनको अच्छे से समझिएगा मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ईजिली खुद से सॉल्व कर सकते हो आते हैं अपने पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कम्प्लीट कोर्स में लेकर

सो so, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया था जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ लेक्चर नंबर सिक्स में ये चीजें हमने देखी थी एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग के ये सेवन टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं जिसमें से कि पहला है लेक्चर मेथड दूसरा है डिस्कशन मेथड तीसरा है प्रोग्रामड इंस्ट्रक्शन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ब्रेन रोल प्ले एंड केस स्टडी ये सभी के सभी टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो शुरू करेंगे लेक्चर मेथड से अब लेक्चर मेथड जो है ये सबसे पुराना ये ट्रेडिशनल मेथड है टीचिंग का इस मेथड में क्या होता है टीचर है एंड ये क्लासरूम है टीचर आएंगे एंड क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको लेक्चर देंगे जो भी टॉपिक बुक में लिखा हुआ है वो पढ़ाएंगे और थोड़ी सी वो बोर्ड ब्लैक बोर्ड जो लिखा रहता है वहां पे उसकी हेल्प लेंगे एंड टॉपिक अपना कंप्लीट करवाएंगे चैप्टर अपना कंप्लीट करवाएंगे दैट्स इट तो लेक्चर मेथड जो है आप इसको इतना याद रख लीजिए कि ये होता है हमारा टीचर सेंट्रिक मेथड ठीक है अब टीचर सेंट्रिक मेथड क्या होता है ये लेक्चर नंबर में हमने डिस्कस किया था अगर आपने देखा है लेक्चर तो बहुत इजीली आपको इसका मीनिंग भी समझ आ चुका होगा सो लेक्चर मेथड इज अ फॉर्मल और सेमी फॉर्मल डिस्कोर्स इन विच द इंस्ट्रक्टर अ सीरीज ऑफ इवेंट्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम और एक्सप्लेन रिलेशनशिप यहाँ पे आप इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि कोई भी घटना है कोई भी फैक्ट है कोई भी टॉपिक है बस टीचर क्लास में आएंगे एज इट इज वो चीज स्टूडेंट्स को बताएंगे और क्लास से चले जाएंगे इसमें किसी भी तरह का फीडबैक नहीं होता स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि नहीं ये सब चीजें इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है ठीक है लेक्चर मेथड के कुछ बेनिफिट्स भी हैं पहला बेनिफिट ये है कि अगर क्लास बहुत बड़ी है तो वहां पे सबसे अच्छा काम यही करता है अब मान लीजिए कि हंड्रेड स्टूडेंट्स की क्लास है तो वहां पे लेक्चर मेथड ही काम करता है वहां पे अगर हम सोचें कि छोटे लेवल पे हम सब बच्चों को प्रैक्टिकल करके चीजें बताएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होती सो so, ऐसी जगह जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज्यादा है वहां पे हम लेक्चर मेथड यूज करते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दूसरा है इट क्रिएट्स न्यू आइडियाज लेक्चर मेथड में नए आइडियाज जनरेट होते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कई बार हो सकता है कि कोई टीचर लेक्चर दे रहे हैं आप जैसे जब भी प्रोफेसर बनोगे आप लेक्चर दे रहे हो कोई स्टूडेंट सामने से कोई क्वेरी कर दे तो न्यू आइडियाज जनरेट हो सकते हैं टीचर इज एक्सपीरियंस्ड एंड हैज मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट एक्सप्लेन ऑल दैन आंसर ऑल द क्वेश्चन तो लेक्चर मेथड में यही होता है कि टीचर जो है उनकी अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होना जरूरी है ताकि कोई स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन रेज करे तो टीचर उसका आंसर दे सके एंड हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन कर सके नेक्स्ट इसमें बोला गया है स्टूडेंट्स कैन आस्क इफ दे नीड एनी क्लैरिफिकेशन तो स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं यानी कि इसमें थोड़े बहुत लेवल पे फीडबैक भी होता है लर्न थ्रू लिसनिंग अब लेक्चर क्या होता है लेक्चर में जैसे मैं अभी आप लोगों को आ, मैं ये बोल सकती हूँ कि ऑनलाइन लेक्चर है क्योंकि मैं सिर्फ बोल रही हूं आप लोग अपने घर में सुन रहे हो ठीक है so, सो इसमें क्या होता है आप आप मुझे सिर्फ ध्यान से से सुन रहे रहे हो, हो, हो। पर जो सामने लिखा है, उन को नोट कर रहे हो, तो को कर तो यहीं लोग चीजों सीख सकते टीचर एक्सप्लेन ऑल द पॉइंट्स स्टूडेंट्स गिव देयर इनपुट टीचर डिस्कस द होल टॉपिक इन क्लास इन ईजी लैंग्वेज स्टूडेंट्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड द टॉपिक सो यहाँ पे मेजर पॉइंट यहाँ पे ये यह होता है कि ये एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोई भी टॉपिक अगर लेते हैं तो उसको एक ईजी लैंग्वेज में बताएं ताकि स्टूडेंट ईजिली उन चीजों को समझ सके फिर चाहे टॉपिक जितना भी डिफिकल्ट हो वो लेक्चर मेथड में यूजफुल रहता है ठीक है यहाँ पे मैं बता चुकी हूं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस अगर है तो वहां पे यूजफुल रहता है अ टीचर प्रोवाइड्स ऑल ऑल नॉलेज रिलेटेड टू द टॉपिक अब जैसे आज हम लोग मेथड्स ऑफ टीचिंग कर रहे हैं ठीक है तो इससे रिलेटेड कोई भी जो ये जो ये टॉपिक है इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं जितनी भी इसकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है वो सारी की सारी मैं आज आप लोगों की क्लियर करने वाली हूँ ठीक है तो पहले मैं थ्योरी करवाऊंगी फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी तो वही है कि टीचर जो है नॉलेज प्रोवाइड करवाते हैं किसी उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के ये सब चीजें आती हैं लेक्चर मेथड में यहाँ पे आप इसको हिंदी में भी देख सकते हो सो आई होप लेक्चर मेथड बिल्कुल क्लियर है आप लोगों का इसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं जिसमें चौक एंड टॉक यूज होता है चौक के थ्रू बोलते बोलते टीचर्स चीजें समझाते हैं इसमें कोई आ, इंटरनेट कोई कंप्यूटर कोई स्मार्ट बोर्ड्स ये सब चीजें यूज नहीं की जाती अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन है स्टूडेंट से मैं बता दूं कि 2015 यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में एज इट इज पूछा गया था इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट लेक्चर मेथड कैन डेवलप रीजनिंग क्या लेक्चर मेथड से हम रीजनिंग को डेवलप कर सकते हैं लेक्चर मेथड कैन डेवलप नॉलेज इससे हम अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो लेक्चर मेथड इज वन वे प्रोसेस यानी कि वन वे प्रोसेस का मतलब क्या होता है जैसे टीचर है स्टूडेंट है सिर्फ टीचर बोले जा रहे हैं स्टूडेंट कोई फीडबैक नहीं दे रहे स्टूडेंट्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये है वन वे प्रोसेस अगर स्टूडेंट्स की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट रहती है जैसे कि डिस्कशन मेथड में होता है जनरली तो वो होता है टू वे मेथड ये है वन वन वे वे प्रोसेस या मेथड ठीक है है नेक्स्ट ड्यूरिंग लेक्चर लेक्चर मेथड स्टूडेंट्स आर पैसिव तो स्टूडेंट्स इस मेथड में बिल्कुल पैसिव रोल प्ले करते हैं बस वो बैठ के सुन रहे हैं चीजों को तो कौन से स्टेटमेंट नॉट करेक्ट यानी कि इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है बहुत इजी क्वेश्चन है दैट इज ऑप्शन नंबर वन ठीक है सो अच्छे से आई होप इसको आप समझ गए हो एंड आंसर अगर आपने मुझसे पहले और ठीक आंसर दिया है तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा यहाँ पे आगे भी मैं आपको प्रीवियस ईयर लेकर आने वाली हूं। अब करते हैं दूसरे मेथड की बात जो जो कि है डिस्कशन मेथड सो इट इज अ मेथड इन विच ग्रुप डिस्कशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू रीच इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव अब डिस्कशन मेथड में क्या होता है ग्रुप्स बना दिए जाते हैं स्टूडेंट्स के इस तरह से स्टूडेंट्स के फोर ग्रुप्स बना दिए गए हैं एंड टीचर क्या करेंगे उनके एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देंगे जिसपे कि वो लोग डिस्कशन करेंगे राइट सो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव यानी कि कोई प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमने ढूंढना है तो यहाँ पे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे लास्ट में टीचर जो है वो कंक्लूड करेंगे कि कौन से ग्रुप के पॉइंट्स जो हैं कौन से ग्रुप की डिस्कशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट थी स्टूडेंट्स लिसन टू अदर्स ओपिनियंस एंड एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस आई uh, होप आप यहाँ से समझ रहे हो बहुत ईजी है ये हिंदी में भी आप देख सकते हो कि एक ग्रुप के छात्र क्या करेंगे दूसरे ग्रुप के छात्रों के जो भी पॉइंट्स है किसी जैसे कि मान लीजिए उन्होंने पॉलिटिक्स को लेकर के कुछ बात चल रही है ठीक है ए वाले पहले बी वालों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे उसके बाद बी वाले ए वालों के पॉइंट सुनेंगे कि अच्छा वो क्या कहना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट होगी वो एक दूसरे पे पॉइंट्स रेज करेंगे ये सब प्रोसेस रहता है इसमें

नहीं पता जिस टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो यहाँ पे उनका नॉलेज बढ़ेगा वो ध्यान से सुनेंगे एंड हो सकता है कि डिस्कशन करते करते उनके खुद के दिमाग में कुछ आइडियाज कुछ की पॉइंट्स जनरेट हो जाएं जो कि एक्चुअल में उनको बहुत हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स एक्सचेंज देर आइडियाज स्टूडेंट्स गेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल एंड नॉट ओनली दोज हु स्पीक हु ऑलवेज स्पीक सबके पॉइंट ऑफ व्यूज यहाँ पे देखे जाते हैं कि ये हमारी टीम वाले सही बोल रहे हैं दूसरी टीम वाले क्या बोल रहे हैं क्या ये सच है या नहीं है तो इस तरह से बहुत ज्यादा नॉलेज जो है वो शेयर हो सकता है आफ्टर डिस्कशन विन स्टूडेंट गिव देर प्रेजेंटेशन द टीचर करेक्ट देयर मिस्टेक्स सो यहाँ पे टीचर क्या करते हैं तो बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो गए हैं वो भी उनको हाईलाइट करके बताते हैं लास्ट में कंक्लूड भी करते हैं लेकिन साथ में डिस्कशन के दौरान अगर किसी टीम का कोई स्टूडेंट कुछ इनकरेक्ट कुछ गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं तो टीचर वहां पे उनको रोक करके समझा भी सकते हैं स्टूडेंट्स कैन मेक देयर ओन नोट्स द लर्निंग इज मोर इफेक्टिव इन दिस ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जाम में पूछी गई थी पहले भी चार पांच ऑप्शन गिवन थे एंड वहां पे पूछा गया था कि बेस्ट जो डिस्कशन मेथड है वो क्या है तो वो सॉरी uh, बेस्ट टीचिंग लर्निंग मेथड प्रोसेस कौन सा है तो वो था डिस्कशन मेथड दे डोंट हैव टू रिलाई ऑन रोट लर्निंग रोट लर्निंग का मतलब होता है रट्टा मारना आप लोगों को पता होगा रट्टा कैसे मारा जाता है है ना बस पढ़ रहे हैं एक दिन चीज याद रहेगी अगले दिन भूल जाएंगे तो इसमें इतनी डिटेल में किसी चीज पे डिस्कशन हो गई होती है कि रोट लर्निंग की कोई बात ही नहीं है हर एक स्टूडेंट के माइंड में पॉइंट्स नोट हो ही जाते हैं नेक्स्ट है डेवलप्स क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स तो हर एक स्टूडेंट इसमें क्रिएटिव रोल प्ले करता है हो सकता है कि किसी एक टॉपिक पे किसी स्टूडेंट को नहीं नॉलेज हो लेकिन दूसरे टॉपिक पे कभी डिस्कशन होगी तो वहां पे उनको जरूर पता होगा तो इस तरह से स्टूडेंट्स और बच्चे जो भी होते हैं वो बहुत क्रिएटिव हो जाते हैं इट इवोक्स थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स तो जो थिंकिंग एबिलिटी होती है बच्चों में वो यहाँ से इवोक होती है तो इस स्टेटमेंट को भी नोट कर लीजिए एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि कौन सा टीचिंग मेथड है जिससे कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी जो है वो जनरेट होती है वो इवोक होती है सो राइट आंसर होना चाहिए डिस्क्रिप्शन मेथड राइट सो यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन भी है आप लोगों के सामने आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो ठीक है पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप में लेकर आई हूं जिसमें आप सब भी अपने सारे डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इसके अलावा पेपर वन की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टी वाई क्यूज की पीडीएफ भी मैं रेगुलर बेसिस पे आपके साथ यहां पर डिस्कस करती रहूंगी अंकिता सूद पेपर वन नेट सेट प्रिपरेशन नाम से आपको टेलीग्राम पर यह चैनल सर्च करना है एंड जल्दी से इसको ज्वाइन कर लेना है अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए नेक्स्ट अगर हम बात करें विच टीचिंग ये अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था 2016 में सो बेस्ट मेथड कौन सा है टीचिंग का लेक्चर मेथड डिस्कशन मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्वेश्चन आंसर मेथड ठीक है सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री डेमोन्स्ट्रेशन मेथड अब आप बोलोगे कि डेमोन्स्ट्रेशन तो मैम ने करवाया ही नहीं तो जो नेक्स्ट मेथड है वो यही है इसमें क्या होता है डेमो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताऊं कि कैसे ड्राइव कैसे करते हैं अगर मैं आपको बस थ्योरी बताऊं जैसे अभी पढ़ा रही हूं वैसे ही बताती रहूं तो आप लोग नहीं समझ पाओगे तो जब मैं आपको डेमो दूंगी एक्चुअल कार में जब मैं आपको बिठा कर बोलूंगी कि इसको ड्राइव करो तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड तो इससे आप बेस्ट सीख सकते हो बेस्ट वे में चीजों को सीख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू सो so, स्टूडेंट्स की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन किसमें होती है राइट right आंसर है जो अभी हमने बात की दैट इज मेथड ठीक है है नेक्स्ट टाइप हमारे पास इंस्ट्रक्शन मेथड ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इट इज यूज टू प्रोवाइड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आप हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो यानी कि उपचारात्मक निर्देश ये प्रदान करता है इट प्रोवाइड मेकअप इंस्ट्रक्शन फॉर लेट अराइवल्स एबसेंटीज एंड ट्रांस ट्रांसलेंट्स ठीक है सो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड में क्या होता है कुछ स्टूडेंट्स है जो कि लेट आए हैं या जो बहुत एबसेंट रहे थे तो उन लोगों के लिए जैसे कि आज का लेक्चर है ठीक है आज के टॉपिक पे जाने से पहले मैं कल का टॉपिक डिस्कस करूंगी थोड़ा सा जैसे आज की वीडियो पे शुरू करने से पहले मैंने आपको कल का बताया कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था ठीक है तो ये होता है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड ये हमेशा लेट अराइवल्स या जो स्टूडेंट्स एबसेंट होते हैं उनको हेल्प करता है To maintain previously learned skills that are not performed frequently enough, to accelerate capable students, कई बार होता है ना capable students miss कर जाते हैं या फिर एक ये बोल सकते हैं कि छोटा सा revision के रूप में काम करता है, to provide enough common background among students, to provide the review and practice of knowledge and skills. यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन अब आता है मोस्ट important टाइप जिससे कि एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है डेमोन्स्ट्रेशन तो मैंने आपको बताया कि हम डेमो देते हैं किसी भी चीज को सिखाने के लिए जैसे अगर आप लोगों को कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा होगा स्कूल में या कॉलेज में ठीक है आप लोगों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाई जा रही है तो आपको अगर सिर्फ थ्योरी करवाई जाएगी तो आप याद तो रख लोगे रोट लर्निंग तो वहां पे होगी लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे अच्छे से आपने कंप्यूटर चलाना कब सीखा जब एक्चुअल में आप लोगों को डेमो दिया गया कि कैसे कंप्यूटर ऑन करना है कैसे इसको चलाना है जब एक्चुअल में आप लोगों ने खुद से कंप्यूटर चलाना शुरू किया ठीक है सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज अ मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन वे आर द इंस्ट्रक्टर बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन और डूइंग जॉब शोज द स्टूडेंट वॉट टू डू एंड हाउ टू डू इट ठीक है यहाँ पे टीचर बताते हैं कि कैसे काम करना है एंड किस तरह से आप कर सकते हो कौन सा काम कैसे करना है हर चीज इसमें बताई जाती है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है टू टीच मैनिपुलेटिव ऑपरेशन और प्रोसीजर्स टू टीच ट्रबल शूटिंग ठीक है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि टू टीच सेफ्टी प्रोसीजर्स जनरली जो सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं जहाँ पे विदाउट डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम नहीं टीचिंग कर पाते तो ये इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है ठीक है बस इसको आप पॉइंट्स को देख लीजिए राइट नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे भी क्वेश्चन आता है एंड स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ अच्छे से ठीक है ये जो है मोस्ट इंटरेस्टिंग होता है इंफॉर्मेटिव होता है गेन इससे बढ़ता नॉलेज गेन होता है इससे ज्ञान बढ़ता है ठीक है ज्ञान बढ़, बढ़ाओ मतलब ज्ञान इससे बढ़ता है ठीक है लर्निंग इज इफेक्टिव ब्रेन स्टॉमिंग क्या होता है कोई टॉपिक पे आपको बोला जाएगा इसका सोल्यूशन ढूंढो ये इस टॉपिक के बारे में कुछ बताओ तो इसमें क्या होता है मोर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता है इसमें स्टूडेंट्स किसी टॉपिक पे अपना ओपिनियन देते हैं उनको लगता है कि हाँ हमारी इसके बारे में क्या राय है हम इसके बारे में क्या सोचते हैं क्या कहना चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ पे बताते हैं जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कशन मेथड देखा था ये भी उसी की तरह होता है इसमें भी क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज किया जाता है स्टूडेंट्स थिंक बियॉन्ड देयर नॉलेज नहीं पता कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि तुक्के मारने लग जाते हैं गेस करने लग जाते हैं कई बार वो भी काम आ जाते हैं जो भी है अगर इस तरह के डिस्कशन मेथड एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनका नॉलेज इसमें बढ़ता ही बढ़ता है सिंपल टॉपिक कैन बी लर्न फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स यानी कि एक टॉपिक के कितने पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं एक पर्सन इस टॉपिक के बारे में कुछ और बोलेगा दूसरा पर्सन कुछ और बोलेगा तीसरा पर्सन कुछ और बोलेगा ठीक है तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं कितना हमारा इससे नॉलेज बढ़ सकता है ये होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग अब ग्रुप डिस्कशन एंड ब्रेन स्ट्रॉमिंग में ये डिफरेंस है कि ग्रुप डिस्कशन में हमेशा ग्रुप्स बनाए जाते हैं एंड ब्रेन स्ट्रॉमिंग में सिंगल कैंडिडेट को भी लिया जा सकता है ठीक है यहां पे हिंदी पॉइंट देख सकते हो आप लोग नेक्स्ट पॉइंट है रोल प्ले रोल प्ले क्या होता है ये भी एक इंटरेस्टिंग मेथड होता है इससे भी स्टूडेंट्स की जो क्रिएटिविटी है इसको एनकरेज किया जाता है अब मान लीजिए रोल प्ले में हर एक स्टूडेंट को जैसे कि मान लीजिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि हिस्ट्री का कोई चैप्टर मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसमें मल्टीपल लोग हैं अब हिस्ट्री में बहुत से लोगों के बारे में वर्णना की जाती है उनके बारे में बताया जाता है तो एक स्टूडेंट को जैसे मान लीजिए राम बना दिया गया दूसरे स्टूडेंट को लक्ष्मण बना दिया गया तीसरे को सीता बना दिया गया ठीक है इनको हनुमान बना दिया गया इस तरह से कुछ भी हो सकता है तो ये रोल प्ले है इस तरह से क्या होगा कि बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ देखेंगे और उनको याद रहेगा कि अच्छा राम थे राम की जो धर्म पत्नी थी उनका नाम सीता था उनके भाई का नाम लक्ष्मण था तो इस तरह से उनको चीजें याद रह जाती हैं तो ये फायदा होता है रोल प्ले का कि एक्टिवली स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं एंड वो एक्चुअल में इंजॉय करते करते बहुत सी चीजें सीख जाते हैं जनरली ये चीजें छोटे बच्चों को सिखाई जाती हैं जैसे कि छोटे बच्चों को अगर हमें बताना है कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं तो वो रोल प्ले के साथ बताया जाएगा उनको सेंटा बना करके बुलाया जाता है स्कूल्स में आपने आजकल देखा तो तो interest होगा।, interest होगा तो रोल प्ले होंगे तो इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट होगा तो नॉलेज अच्छे से जाएगा नेक्स्ट है केस स्टडी सो केस स्टडी क्या होता है इसमें किसी एक कोई भी एक टॉपिक है वो क्लास में बता दिया जाता है स्टूडेंट्स को ठीक है एंड देन क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स को कि इस टॉपिक पर आप लोग सर्च करके आइए उन लोगों को कुछ समय दे दिया जाएगा एक दिन दो दिन तीन दिन कुछ भी एंड बोला जाएगा कि इसके बारे में सर्च करके लाइए चाहे वो गूगल से करें चाहे घर पे किसी को पूछें या फिर वो अपनी किसी बुक से देखें वो उनकी चॉइस है बस केस स्टडी में ये रहता है खुद से बच्चों ने स्टडी करना है इसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट्स की एंड वो क्योंकि खुद से सर्च करते हैं या घर पे पूछते हैं तो वो अच्छे से सुनते हैं चीजों को ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पे डिपेंड करती है तो वो अच्छे से सुनते हैं एंड उनको वो चीजें हमेशा याद रह जाती है। strategy, strategy हैं ठीक है अब यहाँ पे टीचर फोकस स्ट्रेटेजी मिक्सड स्ट्रेटेजी और स्टूडेंट फोकस स्ट्रेटेजीज हैं इसको आपने बस इतना याद रखना है कि अगर लार्ज ग्रुप है तो हम लेक्चर टीम टीचिंग और टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन यूज करते हैं स्मॉल ग्रुप है तो ग्रुप डिस्कशन सेमिनार पैनल डिस्कशन ये ये यहाँ पे जो कुछ भी है ये सब हम करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अगर हमें क्लास में रोल प्ले करवाना है ठीक है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि अगर स्मॉल ग्रुप है तो हम रोल प्ले करवा सकते हैं अगर लार्ज ग्रुप है तो हम रोल प्ले नहीं करवा सकते तो आपने ये याद रखना है इंडिविजुअल स्टूडेंट को अगर हमने पढ़ाना है एग्जाम में ये पूछा गया था एक बार कि अगर इंडिविजुअल यानी कि सिर्फ एक स्टूडेंट को अगर हम पढ़ाना चाहते हैं तो क्या हम टीम टीचिंग कर सकते हैं टीम टीचिंग का मतलब होता है दो तीन टीचर एक साथ क्लास में आकर के क्लास को पढ़ाएंगे तो इंडिविजुअल टीचर के इंडिविजुअल मेथड में हम लोग कभी भी टीम टीचिंग नहीं कर सकते क्योंकि एक बच्चे को पढ़ाना है, तो एक टीचर काफी है ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पॉइंट्स हैं इनको नोट कर लीजिए अब एक क्वेश्चन है इसमें पूछा गया हैोग्राम ऑन टीवी यानी की पूरे कंट्री लेवल पे हम टीवी में कोई क्लासरूम अटेंड कर रहे हैं जैसे न्यूज हम सुनते हैं किसी एक्सपर्ट का लेक्चर ऑप्शन में बोला गया है ग्रुप डिस्कशन या फिर फिल्म यूज़ करके सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर टू दैट इज स्मॉल ग्रुप डिस्कशन इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की यानी कि लर्नर्स की, की ज्यादा इंटरेक्शन होती है वो ज्यादा किसी भी चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड